जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, जिसको दोस्तों RBI ने शुरू किया है पब्लिश करना 2021 से, और हर साल के जुलाई मंथ में दोस्तों इसको पब्लिश किया जाता है। दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में क्या कुछ है खास और क्या हमें जानना है इस इंडेक्स के बारे में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। अगर दोस्तों बात करें इस इंडेक्स की, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2021 से ही इसको जारी करना शुरू किया है अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और अभी दोस्तों 31 मार्च 2022 को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके लिए अभी जुलाई में दोस्तों इसके आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट दोस्तों यहां पर सामने आई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में पूरी न्यूज। दोस्तों अगर बात करें पहले फाइंडिंग्स की, तो यहां पर दोस्तों भारत की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके रेट दोस्तों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के सेक्टर में दोस्तों अपने आप को इंप्रूव किया है। जो पहले इसका रेटिंग था जो दोस्तों 53.9 के समथिंग था, वो अब बढ़कर दोस्तों 56.4 के समथिंग आ गया है, यानी भारत ने वाकई में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में काफी इंप्रूवमेंट दोस्तों किया है। अगर दोस्तों हम इंडेक्स की बात करें, तो ये इंडेक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन में तीन पैरामीटर जो होते हैं, तीन जो इसके कैटेगरीज हैं, जो इसके इंडिसेस हैं, उसमें दोस्तों बताते हैं कि भारत ने कितना ग्रो किया है। वो एक्सेस है, यूजेस है और इक्वालिटी है। अब दोस्तों ये चीजें क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात मैं करता हूं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है चार प्रकार की सर्विसेस, जिसमें आपकी बैंकिंग सर्विस आती है, क्रेडिट सर्विस आती है, इन्वेस्टमेंट की सर्विस आती है और दोस्तों इंश्योरेंस की सर्विस आती है। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये तय करता है कि भारत में ये सर्विसेज कितनी इजीली अवेलेबल हैं और कितनी सही तरीके से लोगों तक पहुंच रही हैं। क्या इनका एक्सेस बड़ा है या घटा है, इनका यूजेस बड़ा है या घटा है, और इक्वली सबको प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात की पूरी जो जांच पड़ताल है, पूरे जो आंकड़े हैं वो दोस्तों पेश किए जाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के द्वारा। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो 56.4 है इसका मतलब क्या है कि जो चार सर्विस मैंने बताई हैं, बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इन चारों सर्विसेज के एक्सेस, यूजेस और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों भारत ने काफी इंप्रूवमेंट किया है, सभी को ये सर्विस दोस्तों अवेलेबल हो रही है। जैसा कि आप दोस्तों डायग्राम में यहां पर देख रहे होंगे, भारत के पिछले कुछ वर्षों के यहां पर जो आंकड़े हैं वो आप देख रहे होंगे। हालांकि 2021 से ही इस इंडेक्स को शुरू किया गया है, 2017 के आंकड़े जो है वो पेश किए गए थे, 2021 में जारी जो की गई थी उसमें 2017 से 21 तक के इकट्ठे जो है वो आंकड़े दोस्तों पेश किए गए थे, ये यहां पर आपको ध्यान करना। दोस्तों बात करें इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन तरह की चीजों को ये बताती है कि भाई जो हमारी बैंकिंग सर्विस है, जो हमारी क्रेडिट सर्विस है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, इसके साथ साथ जो हमारी पोस्टल सर्विसेज हैं, इसके साथ साथ जो हमारी पेंशन सेक्टर है, ये सारी सर्विसेज दोस्तों जनता को कितने अच्छे तरीके से उनका एक्सेस जनता ले पा रही है, कितना उनका यूज लोग कर पा रहे हैं और क्या उनकी दोस्तों इस समय क्राइटेरिया बना हुआ है, इन सब चीजों का दोस्तों यहां पे ब्यौरा देती है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। खास बात ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है, लेकिन कोई भी दोस्तों बेस ईयर्स के लिए नहीं बनाया गया, मतलब बिना किसी बेस ईयर के सीधे सीधे उसी वर्ष के आंकड़े यहां पर पेश किए जाते हैं, कोई बेस ईयर, कोई कंपैरिजन यहां पर नहीं होता। हर साल दोस्तों जुलाई के महीने में इसको पब्लिश यहां पर किया जाता है। दोस्तों बात करें इसके एम का, तो एम आपको समझ में आया होगा भाई, भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के आंकड़े, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो सर्विस प्रोवाइड होती है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाना, उनका एक्सेस बढ़ाना और उनका यूज बढ़ाना, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, यही दोस्तों मकसद होता है। समझ आइए भाई, बैंकिंग सर्विस अगर किसी भी देश में अच्छी होगी तो लोगों की पहुंच इकोनॉमी में अच्छी होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो मेरी पहुंच इकोनॉमी तक होगी, अगर मुझे अच्छा क्रेडिट मिल रहा है, अच्छा लोन मिल रहा है, तो बाजार में मैं अच्छा काम कर पाऊंगा, अच्छी डिमांड कर पाऊंगा। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं तो जो मेरी सेविंग्स है उसको मैं अच्छे से इन्वेस्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इंश्योरेंस अगर मुझे मिल रहा है तो मेरी लाइफ जो है वो फ्री हो जाएगी, मतलब मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सभी चीजों का इंश्योरेंस मेरे पास होगा तो मुझे आगे कोई तकलीफ यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। यानी इस इंडेक्स का एम यही है कि भारत में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको किसी तरीके से बेहतर किया जाए, उसके यूजेस, एक्सेस और जो बैरियर्स हैं उनके लिए काम किया जाए, बैरियर्स को खत्म किया जाए, एक्सेस को बढ़ाया जाए, अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए और लोगों में अवेयरनेस किए जाए, ताकि उससे यूज जो है वो इन चीजों का यहां पर देखने को मिले। अब दोस्तों अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, तो 97 पैरामीटर्स हैं,
यानी 97 पैरामीटर्स पर दोस्तों यहां पे जांच पड़ताल होती है, स्टडी होती है, एनालिसिस होती है, उसके बेस पर दोस्तों यहां पर जो है वो नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहां पर जो अंक है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अंकों की बात करें तो 0 से लेकर 100 तक अंक दोस्तों दिए जाते हैं, और 0 से 100 का मतलब है कि अगर 100 आपको नंबर मिले हैं तो फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन को शो करता है। फुल का मतलब कि आपकी कंट्री में ईच एंड एवरी पर्सन चारों ही सर्विस को बहुत इजीली एक्सेस कर पा रहा है, अवेलेबल है उसके लिए और उसका यूज दोस्तों वो कर पा रहा है। अगर आपका नंबर 100 से 0 की तरफ जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि भाई आपके सामने उतनी परेशानियां हैं, आपको और भी काम करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में शुरू हुई जनधन योजना। अब जनधन योजना का मकसद क्या था कि भाई पहले क्या होता था भारत में, अकाउंटिंग की सर्विस जो अकाउंट होता था, सेविंग अकाउंट, बहुत कम लोगों तक था। क्यों? बैंक वाले कई तरह के सवाल जवाब करते थे, कई तरह की आईडीज मांगते थे, वो होती नहीं थी वगैरह। तो सरकार ने 2014 में ये शुरू किया जनधन योजना। अब इसके द्वारा हमारे देश में करीब करीब 100 करोड़ लोगों तक दोस्तों अकाउंट पहुंच चुके हैं। भारत में रहने वाले करीब 100 करोड़ लोगों तक उसके अकाउंट हैं, यानी लगभग लगभग जितने लोगों के अकाउंट होते हैं सबके पास है, है ना। तो ये क्या हुआ, बैंकिंग सर्विस को बढ़ावा मिला, लोगों ने इजीली एक्सेस करा, तो क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिला। इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा दोस्तों ये काम यहां पर किया जाता है। मुद्रा योजना के बारे में सुना आपने, लोन प्रोवाइड किया सरकार ने, और भी कई तमाम से मैं प्रोग्राम बताऊंगा आपको जो भी चल रहे हैं सरकार। तो अगर दोस्तों पूरे इंडेक्स की बात करें तो जो 3 मैंने आपको बताए हैं, एक्सेस, यूज और क्वालिटी, उनके भी अलग अलग परसेंटेज होते हैं। एक्सेस का 35% है, यूज 45% है, और क्वालिटी के जो पॉइंट है वो 20% यहां पे रहते हैं। मतलब अलग अलग चीज के अलग अलग पॉइंट है। अगर सभी के पास एक्सेस है चारों भी क्वालिटीज का, तो वो 35% जो है वो इंडेक्स में अपना स्थान बनाता है। 45% उसके यूज पर है, मतलब जनता उसका यूज कर रही है या नहीं कर रही है। एक्सेस तो है उसका, अवेलेबल है वो चीज, लेकिन क्या जनता उसका यूज कर रही है, इस बात के लिए 45% का स्थान रखा गया है। और क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार की सर्विस क्वालिटी है, वो दोस्तों 20% में यहां पर डायमेंशन में रखा गया है। इसके अनुसार ही दोस्तों सारे इंडिकेटर्स जो है वो नंबर अपने फाइंड आउट करते हैं। वही 3 चीजें मैंने बताया आपको, अवेलेबिलिटी, एक्सेस और यूज, इन तीनों का ही दोस्तों यहां पर एज रहता है, और 97 इंडिकेटर्स यहां पर दोस्तों इसके लिए यूज यहां पर किए जाते हैं। ये पूरी बात आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। अब सिग्निफिकेंस की बात करें कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है का सिग्निफिकेंस क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई ये मेजरमेंट है। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के आंकड़ों को देखेंगे तो ये क्या करता है, हमें बताता है कि भाई देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना ज्यादा हो गया है और हमें और क्या करने की आवश्यकता है। अच्छा, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी क्यों है, तो भाई सीधी सी बात है, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हर एक इंसान इकोनॉमी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ, और सीधे जुड़ा हुआ तभी होगा जब वो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स में एक्टिव होगा। कौन कौन से? बैंकिंग सेक्टर में उसके पास अकाउंट हो, वो अपना पैसा जमा करे, निकाले और तमाम तरह की सुविधाएं ले, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस ले, इन्वेस्टमेंट करे, और साथ में क्रेडिट। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को इकोनॉमी से डायरेक्टली जोड़ती हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो जोड़ता हो। इसीलिए सरकार का यह प्रयास है कि ये 4 चीजों में लोग एक्टिव हो, सरकार भी एक्टिव हो, लोग भी एक्टिव हो, ताकि सब लोग उससे जुड़े। तो क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले मीजर द लेवल ऑफ इंक्लूजन, कितना इंक्लूजन हो रहा है, उस बात की जो मेजरमेंट है वो दोस्तों ये इंडेक्स हमको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताते हैं कि भाई क्या डेवलपमेंट का स्तर है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा लोग उतना ज्यादा इकोनॉमी से जुड़ेंगे, लोग उतना ज्यादा कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, G20 इंडिकेटर्स, जो G20 ग्रुप है उस G20 के जो इंडिकेटर्स हैं उनका फुलफिलमेंट होगा। भाई उन्होंने भी कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंडिकेटर्स यहां पे दिए हैं, उन्होंने भी कुछ बताया है, और भारत G20 का मेंबर है, तो वहां के इंडिकेटर्स को पूरा करने के लिए भी जरूरी है कि हम किस स्टेज पे हैं, क्या कमियां हैं उनको हम पता करें और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वहां पे काम करें, चाहे वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस हो, नेशनली या ग्लोबली हमारी सर्विसेज हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टेट परफॉर्मेंस हो, जो भी हो उसमें हम लोग आगे परफॉर्म करें, ये भी दोस्तों हमारा इस इंडेक्स के पता लगता है। और साथ ही साथ जो हमारे रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं तमाम चीजों पर और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर स्टडी कर रहे हैं या उनके इंपैक्ट पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी दोस्तों इस इंडेक्स से काफी कुछ यहां पर हेल्प जो है वो ले सकते हैं। अंत में दोस्तों बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो मैंने आपको बताया है भाई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सब लोग 4 चीजें, क्या क्या, बैंकिंग सर्विस, क्रेडिट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस और इन्वेस्टमेंट सर्विस। ये 4 चीजें मिलकर दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन बनाती हैं। मकसद यही होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव किया जाए उन चीजों के प्रति जो उसे इकोनॉमी से जोड़ती है और देश के डेवलपमेंट में उसका स्थान यहां पर बनाती है।
इसके साथ साथ जो पेंशन सेक्टर है या फिर जो तो हमारा जो और भी कई सारे सेक्टर्स हैं उसमें भी इंसान को यानी आम जनता को एक्टिव करना, वहां पे उस तक पहुंचाना सर्विसेज, वो दोस्तों फायदा करते हैं इंक्लूजन में, और यही फाइनेंशियल का मकसद होता है। अब इन चार सर्विस में आईक्यू, तो छोटा सा एग्जांपल, जब बैंकिंग अकाउंट नहीं थे तो भाई सारी चीजें मैनुअल हुआ करती थी, अब जनधन अकाउंट के तहत सबके अकाउंट बन गए तो सरकार ने सीधा जितना भी पैसा पहुंचाना होता है सीधे अकाउंट पहुंचा दिया, गैस की सब्सिडी पहुंचाई, अभी कोरोना काल में उनको 500-500 रुपए पहुंचाए या और भी तमाम तरह की सर्विस पहुंचाए। इससे क्या हुआ कि हमारा चैनल जो है वो डिक्रीज हुआ, सरकार का जो खर्चा हो रहा था मैनुअली वो खत्म हुआ, बिचौलिए बीच में खत्म हुए और सीधे डायरेक्ट टू ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, तो जनता को सीधा फायदा यहाँ पे पहुंचा। लोन अगर अच्छा मिलेगा तो उससे क्या फायदा होगा, लोग अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, और व्यापार दोस्तों 5 निशाने लगाता है एक दिन से, व्यापार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में सेल बढ़ेगी, सरकार का टैक्स बढ़ेगा, सरकार को और अच्छी योजना बनाने का मौका मिलेगा। तो व्यापार बढ़ाने के लिए आपको लोन देना चाहिए, भाई मेरे पास 50 आईडी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो लोन मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं अच्छा काम मार्केट में कर पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे जरूरी यहां पर होता है, और इसीलिए दोस्तों इसको बढ़ाने के लिए सरकार काम करती है। तो भारत ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं, जनधन योजना मैंने आपको बताई, डिजिटल आइडेंटिटी आधार दोस्तों हमने देखा, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हमने बनाया, सेंट्रल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी हमने बनाया, एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज को हमने शुरू किया, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट को शुरू किया, ऐसे तमाम तरीके के प्रोजेक्ट हमने शुरू किए जो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं और इस पर दोस्तों काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी न्यूज दोस्तों समझ में आई होगी, बने रहिए दिशा पब्लिकेशन पर, हम लोग लेके आते रहेंगे आपके लिए धमाकेदार और भी कई न्यूज। तो अभी के लिए विदा लूंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या नई चीज आपको चाहिए और ये न्यूज आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए, ठीक है, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।